हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार। चलिए डिस्कस करते हैं आज बैंक निफ्टी के स्ट्रेटजी के ऊपर। एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या बात की थी उसे भी डिस्कस करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मतलब जो जिस टाइम सेलिंग चल रहा था उस टाइम मैंने समथिंग इसी पॉइंट पर आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में बाइंग आ सकती है और जो स्टॉप लॉस आपका होगा वो 42600 का मैंने स्टॉप लॉस दिया हुआ था। आई थिंक 42600 का स्टॉप लॉस कहीं पर बैठ रहा था जो मैंने दिया था, या 39600 का था, मुझे आई थिंक 39600 का स्टॉप लॉस मैंने दिया हुआ था, ठीक है। और उस स्टॉप लॉस के साथ मैंने आपको फर्स्ट टारगेट दिया था वो 40800 का था, एंड 40800 के बाद सेकंड टारगेट 41600 एंड थर्ड 42000 टारगेट था। तो जिन लोगों ने भी पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है, अब वेल एंड गुड है, पोजीशन आप अभी कैरी कर सकते हैं। अभी क्या है कि आज हो सकता है एक बड़ा गैप अप आपको मिल सकता है मार्केट में, और वो गैप अप आपको 41600 का टारगेट प्लस 42000 का भी टारगेट अचीव करा सकता है। बट 42000 अभी बहुत दूर है क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग जो हुई है वो 41251 के आसपास हुई है, और 42000 यहाँ से लगभग 750 पॉइंट ऊपर है। तो 750 पॉइंट का गैप अप तो खुलने वाला है नहीं, इतना तो फिक्स है, ठीक है। और मार्केट अभी प्रॉपर एक रेजिस्टेंस के पास भी है जहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले भी रहा है। तो अभी देखना क्या है, अगर ये गैप अप कहीं 41600 के आसपास खुलता है आप अपना प्रॉफिट इमीडिएटली बुक करेंगे, एंड प्रॉफिट बुक करने के बाद आप शांत हो जाएंगे। वहाँ पे आपको देखना है कि 5 मिनट में कोई नेगेटिव कैंडल अगर बन रहा है तो सेम नेगेटिव कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, और वो स्टॉप लॉस लगा के आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा हो जाएगा, ऑलरेडी आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिया है, तो 40-50-100 रुपए का स्टॉप लॉस आप दे सकते हैं इस पॉइंट पे। क्योंकि अगर यहाँ से सेलिंग आता है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत एग्रेसिव सेलिंग होगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है सेलिंग इतना ज़रूर हो जाएगा कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए 41600 के पास जब ये रेजिस्टेंस लेगा तो इसका नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ पे है, 40800 के आसपास ये नियरेस्ट सपोर्ट है, या फिर 41200 एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो दोनों ही सिनेरियो में आपको ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। 40-50 रुपये का स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा, 5 मिनट की कैंडल तो इतना 200-250 पॉइंट की होगी नहीं, ठीक है। वो रेयर सिनेरियो में हो जाता है, कभी कभी 200-250 पॉइंट का आपका कैंडल बन जाता है 5 मिनट में, बट नॉर्मली क्या होता है 40-50-60 पॉइंट का आपका कैंडल बनता है 5 मिनट पे। तो 5 मिनट पे कोई भी नेगेटिव कैंडल आपको 41600 के आसपास अगर मिलता है गैप अप के बाद, अगर फ्लैट खुलता है तब तो फिर आप कंटिन्यू बाइंग रखेंगे। पोजीशन आपके पास पहले से अगर है तो उसे आप होल्ड कर रखिए, आपको अच्छा प्रॉफिट और मिलने के चांसेस है। बट सिर्फ और सिर्फ गैप अप सिनेरियो में आपको क्या करना है कि 41600 के आसपास गैप अप मिलता है, 300-350 पॉइंट का गैप अप, फर्स्ट 15-20 मिनट में अगर कोई नेगेटिव कैंडल आपको रेड कैंडल मिल रहा है सेम उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, एंड जैसे ही उसका लो ब्रेक हो आप इमिडिएटली ट्रेड में घुस जाइए, और वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 40-45 पॉइंट का होना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस आपको देना नहीं है। और उस 40-45 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में आप 200-300 पॉइंट का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं फ्यूचर्स में। ऑप्शन में थोड़ा कम ही प्लान कीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में थीटा डिके होने के भी चांसेस हैं इतने बड़े कैंडल के बाद, लेकिन हाँ मैं बार बार बोलूँगा अगर फ्लैट ओपन हो के ये क्रॉस कर रहा है लेवल्स को, 41-250-300 लेवल्स क्रॉस कर रहा है, तो फिर आपको अगेन 41600 का टारगेट मिलेगा आज, एंड मे बी पॉसिबल है कि 42000 का भी टारगेट आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।